दोस्तों, अगर मान लीजिए कि 6 बजे के बाद जैसे दुकानें बंद हो जाती है, उसी तरह से सोशल मीडिया के जितने भी सारे ऐप्स है वो बंद हो जाते, तो हमारे रियल लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगर मान लीजिए कि एक दुकान की तरह ये सोशल मीडिया के जितने भी सारे ऐप्स है, अगर ये शाम को बंद हो जाते तो हम लोगों के जीवन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो जाते। दोस्तों, सबसे पहले आता है कि जब हम कोई भी ऐप्स को चलाते हैं तो अपने आमने सामने जो भी रहता है उनके बारे में हम सोचते नहीं, ना ही उनसे बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि शाम को ये एक परफेक्ट टाइम में बंद हो जाएगी, तो उस टाइम के बाद दोस्तों हम अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट यानी बात कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि हम लोग जब से स्मार्टफोन को ज़्यादा तजब्बू देने लगे, तब से हम लोग अपने फैमिली से दूरी बनाते हुए जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट है दोस्तों ये सोशल मीडिया के ऐप्सों को चलाने का। लेकिन आप सभी को बता दें कि अगर एक राइट टाइम में बंद हो जाएगी तो दोस्तों इससे क्या होगा कि हम लोग अपने फैमिली को भी सही से टाइम दे पाएंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अभी जो स्टूडेंट है दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि एक परफेक्ट टाइम में अगर सोशल मीडिया बंद होता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा कि जो स्टूडेंट है तो उनको टाइम मिल जाएगा काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग दूसरे स्किल को भी खोजेंगे। अगर मान लीजिए कि लोगों के पास खाली टाइम है तो वो स्किल को खोजेंगे। अभी कि यूथ के पास अगर खाली टाइम होता है तो अपने स्मार्टफोन से सोशल मीडिया पे व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि हम लोगों का जो स्किल होता है वो भी हम लोग देख ही नहीं पाते कि आखिर हम लोगों के पास स्किल क्या है। यानी दोस्तों, हम लोगों के जो डेली रूटीन है ये काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये बस खाली एक थॉट था। दोस्तों, आई होप इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को इस इन्फॉर्मेशन से रिलेट करते हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय।